दोस्तों आलिया भट्ट की वो फिल्म जिसने रिलीज से पहले ही बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है। बवाल ऐसा है कि हुसैन जैदी नाम के एक लेखक है, उनकी एक बुक आई थी साल 2011 में जिसका नाम था माफिया क्वींस ऑफ मुंबई, जिसमें गंगूबाई के जीवन को लेकर बहुत सारी बातें बताई गई है, उनके साथ क्या हुआ था, किस तरह की घटनाएं हुई थी, किस तरह से वो उस गलत चीजों से अपने आप को उभारने का काम करती हैं और लोगों के लिए एक प्रेरणा बनती हुई नजर आती हैं। तो इसी चीज को लेकर एक फिल्म बनाई जा रही है संजय लीला भंसाली के द्वारा, जिसका नाम है गंगूबाई काठियावाड़ी। अब गंगूबाई के गोद लिए हुए बेटे हैं बाबू रावजी शाह। उन्होंने कुछ महीने पहले, यानी जब इस फिल्म की अनाउंसमेंट हुई थी, कुछ पार्ट शूट हो गए थे, तब उन्होंने सेशन कोर्ट में अपील की थी कि इस फिल्म यानी गंगूबाई काठियावाड़ी में उनके माँ को लेकर, उनके परिवार को लेकर बहुत सारी गलत चीजें गलत तरीके से दिखाई जा रही हैं, गलत फैक्ट्स परोसे जा रहे हैं, तो इस फिल्म के ऊपर रोक लगाई जाए क्योंकि ये फिल्म उनकी इमेज को, उनके परिवार की इमेज को खराब करने का काम कर रही है। लेकिन सेशन कोर्ट ने उनकी बात को अनदेखा कर दिया। उसके बाद बाबू रावजी शाह गए मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास, जिसके बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट ने यह कह दिया है कि 22 मई को संजय लीला भंसाली और आलिया भट्ट को अदालत में मौजूद होना होगा और आपको ये बताना होगा कि क्या आपने इस फिल्म में गंगूबाई और उनके परिवार के फैक्ट्स को गलत तरीके से दिखाने का काम किया है, क्या इस फिल्म में ऐसी कोई चीज है जिसके चलते उनके परिवार की इमेज खराब हो सकती है। तो इन चीजों को लेकर 22 मई को इन दोनों ही लोगों को कोर्ट में मौजूद रहना होगा। देखिए, अब मेरा ऐसा मानना है कि संजय लीला भंसाली एक ऐसे फिल्म मेकर है जो अपनी हर फिल्म में किसी न किसी तरह की कोई न कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट कर ही देते हैं, क्योंकि कंट्रोवर्सी जब तक क्रिएट नहीं होती तब तक संजय लीला भंसाली की फिल्म आ रही है इस तरह की बात लोगों को समझ में भी नहीं आती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जिन जिन फिल्मों से विवाद जुड़ते हैं वो विवाद करने वाले लोग ही संजय लीला भंसाली की फिल्मों के, उनके टीम के साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए नजर आते हैं, शायद हमें पता नहीं चलता है, और यही लोग जो है इतनी सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, गलत माहौल खड़ा करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं और अदालतों में ये बातें चली जाती हैं और वहां पर होता कुछ नहीं है। आज तक तो मैंने किसी फिल्म के लिए ये नहीं देखा कि संजय लीला भंसाली या उनकी टीम के किसी भी मेंबर को जेल की सजा हुई हो। जब ये फिल्म बनकर रिलीज हो जाती है तब तक बवाल होता है, यानी फिल्म बनने से लेकर उसके रिलीज होने तक बहुत सारा बवाल होता है, बहुत सारे केस होते हैं, तोड़फोड़ होती है, सब कुछ होता है, लेकिन जैसे फिल्म रिलीज हो जाती है उसके बाद सारा का सारा बवाल ही खत्म हो जाता है। बाद में ये कह दिया जाता है कि उस फिल्म से पर्टिकुलर सीन को हटा दिया गया, या ये भी बात सामने आती है कि इस फिल्म में इस तरह का कोई सीन था ही नहीं। यहाँ पर मतलब ये भी साफ है कि अगर वो किसी परिवार के ऊपर कोई फिल्म बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उस परिवार से वो मिले भी होंगे, उनकी राय ली होगी, उनसे साइन लिया गया होगा और तरह तरह की जो बातें होती हैं वो डील साइन की गई होगी। लेकिन जैसे ही संजय लीला भंसाली की किसी भी फिल्म की अनाउंसमेंट होती है उसके रिलीज तक ये सारा बवाल हर महीने हर रोज चलते ही रहता है। लेकिन यहाँ पर अगर बाबू रावजी शाह सही मायने में, उन्हें लग रहा है कि उनकी परमिशन के बगैर उस फिल्म में गलत तरीके से फैक्ट्स दिखाए गए हैं, तो यकीनन बाबू रावजी शाह को इंसाफ मिलना चाहिए, केस उनके पक्ष में जाना चाहिए। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि ये सब कुछ बेकार का टाइम वेस्ट है, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि फिल्म बनी है तो रिलीज भी होगी और इसे कोई रोक नहीं सकता है, ये हमेशा की बात है, और कंट्रोवर्सी क्रिएट करना तो बॉलीवुड की आम बात हो चुकी है। तो दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहे, आपकी बात मुकेश के साथ, धन्यवाद।